भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिला पंचायत वार्ड नंबर 24 के स्वाभिमान सम्मान रक्षा एवं विकास के लिए कर्मठ एवं जुझारू निर्भीक प्रत्याशी रिटायर्ड फौजी दिनेश यादव का चुनाव चिन्ह कैंची पर अपनी कीमती मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनावे। जनपद चमोली का एक विद्यालय जिसे शिक्षक विद्यालय में कर रहे हैं कई सृजनात्मक कार्य। जिला चमोली के थरेली विकास खंड में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इन दिनों विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य पाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में विद्यालय में कई रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य के लिए सुर्खियों में है। विद्यालय में कक्षा कक्षाओं से लेकर दीवारों पर वॉल पेंटिंग, सुसज्जित फुलवारियां, बच्चों के लिए बैडमिंटन का कोर्ट, प्रयोगशाला, तमाम रचनाओं का सृजन, छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना मंच, खेल मैदान पर टाइटल्स चमक था। यह सभी सृजनात्मकता के कार्य सरकारी और विभागीय बजट पर ही निर्भर न रहकर यहाँ के शिक्षकों ने विद्यालय के चहुमुखी विकास के लिए आपस में सामूहिक सहभागिता से कर डाले हैं। इसमें जनप्रतिनिधियों और विद्यालय प्रबंधन समिति के सहयोगियों का भी विशेष सहयोग रहा है। शिक्षिका चांदनी रोधियाल ने बताया कि हमारा प्रयास है कि बच्चों को गुणात्मक शिक्षण के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का है। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य पाल सिंह बिष्ट ने कहा कि विद्यालय में यदि ई लर्निंग पढ़ाई के लिए प्रोजेक्टर कंप्यूटर मिल जाए तो बच्चों को शिक्षक अधिगम में सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि हम कम संसाधनों के बावजूद विद्यार्थियों को अच्छे मार्क्स में उत्तीर्ण करा सकने में सफलता हासिल कर रहे हैं, तो यह सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का अथक परिश्रम के नतीजे हैं। पिछले वर्ष विकासखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षाओं में हमारा विद्यालय टॉपर रहा। बताया कि इसी वर्ष विद्यालय का आयुष पुरोहित नेशनल मेरिट कम स्कॉलरशिप राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है, जिसके तहत छात्र को प्रति वर्ष 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। उन्होंने साथ ही विद्यालय के लिए भरपूर सहयोग के लिए आजीविका मिशन के सम्यक शिशुपाल कोठियाल का धन्यवाद किया। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि विद्यालय परिवेश को देखें, वहाँ के रिजल्ट देखें, वहाँ के स्टूडेंट्स देखें, तब जाके अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजें। और ऐसे न भागे कि प्राइवेट स्कूल है, सभी लोग वहाँ जा रहे हैं तो हम भी वहीं जाएँ। और हमने एक अच्छा स्वच्छ वातावरण तैयार करने की कोशिश की है, और हमने मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश की है। और मेरा यही उद्देश्य है, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट टीचिंग, स्मार्ट स्टूडेंट, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जहां तक बात रही स्कूल रिजल्ट की, विगत वर्षों में मेरा ब्लॉक स्तर पर टॉप रिजल्ट रहा है, और 3-4 सालों से रिजल्ट हमारा काफ़ी बेहतरीन है। और स्वयं की बात करूँ तो मेरा रिजल्ट लगातार 5 सालों से 100% दिया है। और यहाँ पे मैं विशेषकर उन बच्चों को ज़्यादा फोकस करना जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों की हमने मदद की है जो बाजारों में गाड़ी धोते हैं और अन्य काम करते हैं, उन बच्चों को हमने यहाँ पे पास करा रखा है। और कहे बच्चे सम्मान से, पिछली बार मैंने यहाँ से 5-6 बच्चे सम्मान से भी हॉनर के साथ पास हुए हैं। और मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए आप हमारे विद्यालय आएँ, यहाँ के वातावरण को देखें, यहाँ का रिजल्ट देखें, और यहाँ के टीचर्स, मैनर्स, सब इन सब सारी चीज़ों को लेकर अपने बच्चे का एडमिशन दें। एक हवा के रूप में न भागें और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आप अपने बच्चे का एडमिशन करें। और जो हमने आपके बच्चों के लिए एक स्वच्छ वातावरण तैयार करने की कोशिश की, वो पर्सनली व्यक्तिगत माँ शारदी की कृपा से मैंने व्यक्तिगत रूप से इतना खर्चा किया है। और साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि और आजीविका कोऑर्डिनेटर का भी सहयोग करने के लिए धन्यवाद कहूँगा, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। और अपने स्टाफ का तो करूँगा, क्योंकि जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर इतना बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं, हर समय वो मेरे साथ रहते हैं। और आप वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, और सुना है कि आप इस विद्यालय के छात्र रहे हैं, तो इस विद्यालय की बेहतरी के लिए आप भविष्य में क्या कुछ करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ आपके न्यूज़ चैनल का, इन्होंने की हमारे इस क्षेत्र के एकमात्र हाई स्कूल विद्यालय में आप आए। यहाँ पर जो अभी विगत कोविड काल से अभी तक जो कार्य हुए हैं, और जो भी पठन पाठन के लिए जो यहाँ पर हमारे प्रधानाचार्य जी बिष्ट जी ने जो भी ठोस कदम उठाए हैं, उन वो तो आप देख ही रहे होंगे। और यहाँ पे छात्र जो भी पढ़ रहे हैं, और जो कोविड काल में जो छात्र उस तरीके की उच्च शिक्षा नहीं ले पाए, तो हमारे गुरुजी ने उनके घर में जाके
उनको पढ़ाया और यहाँ पर छात्र संख्या और बढ़े, इसके लिए यहाँ विद्यालय में कोई भी कमी नहीं है। आप चाहे स्वच्छता से लेकर लो या फिर विज्ञान प्रयोगशाला, यहाँ पर हर तरीके का वो माहौल है जो एक अच्छे विद्यालय में देखने को मिलता है। भविष्य में अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति होती है जो कि हमारे द्वारा जिसका निराकरण होगा, तो हम ज़रूर हर संभव प्रयास करेंगे इस विद्यालय को एक श्रेष्ठ विद्यालय बनाने में। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। और क्या, आप कैसे पढ़ाती हैं? जी मेरा नाम चांदी है और मैं यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ बच्चों को। साइंस अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से, और सभी को लगता होगा क्योंकि बच्चे ज़्यादातर साइंस जैसे सब्जेक्ट में रुचि लेते हैं। तो मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि प्रैक्टिकल के माध्यम से बच्चों को बताऊँ, प्रैक्टिकल करके बताऊँ। कई बार मैं बच्चों को गार्डन में लाती हूँ, सपोज़ मुझे बाहर एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बताना है या प्लांट्स के बारे में, तो मैं उनको यहाँ पर लाती हूँ कोई फ्लावर के बारे में, प्लांट के बारे में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे मतलब जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकली बच्चे चीज़ों को देखें, सैद्धांतिक रूप से ना पढ़ के प्रैक्टिकली उनको समझें, उन चीज़ों को समझें। और मैंने कोशिश भी की है, मैंने यहाँ के जो हमारे फ्लावर पॉट हैं मैंने उन पर भी ऐसे प्लांट के पार्ट्स हो गए या फ्लावर के पार्ट्स हो गए उनको बनाने की कोशिश की है, ताकि बच्चे आते जाते खेलते कूदते जब भी उनको देखें तो उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहें बच्चे। और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप विद्यालय में? सरकारी स्कूल में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आजकल क्यों भेजें आपने सरकारी स्कूल? जैसे कि आजकल सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या कम हो रही है, क्या कहना चाहेंगे उसको आप? सर आज के समय में हम देख रहे हैं सरकारी स्कूलों में धीरे धीरे बच्चों की संख्या घटती जा रही है, जो कि एक प्रॉब्लम का विषय है। जैसे हम लोग जॉब देखते हैं तो हमें प्रायोरिटी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा नहीं रहे। पहले समय में हो सकता है कि ऐसा समय था जब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की कमी थी या इतना लेजीनेस था कि नहीं ध्यान दिया गया, लेकिन आज के समय में इतना ज़्यादा बच्चों मतलब टीचर बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं या अधिकारी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मैथ्स का सब्जेक्ट है, चाहे साइंस का है, चाहे हिंदी इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट हो, कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क पर डिपेंड हो। तो मैं एक संदेश देना चाहूँगी सभी लोगों को कि आप जो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं और सरकारी में आपको आपको लगता है, तो एक बार मैं चाहूँगी कि आप लोग आए सरकारी स्कूलों को देखें, वहाँ के टीचर्स के पढ़ाने का तरीका देखें और तब आप जजमेंट करें कि प्राइवेट स्कूल ज़्यादा अच्छा है या गवर्नमेंट स्कूल।